लेकिन ये वीडियो हमारे पास भी शेयर कर देना। क्यों भाई, अब भी अपने पास रखेंगे ना। तुम्हें तो पता ही है सब कुछ कैसे होता है। अब इसमें जब इस... अरे जब ये लगाओगे तब तो पता चलेगा कितना है। लगाओ उसको पहले। हाँ ये, अरे नहीं है गैस। अरे मुझे शुरू से दिखाओ ना, नहीं है इसमें। कैसे चेक करोगे नहीं है, कैसे चेक करोगे है, आगे के लिए मुझे बताओ ना। इसको टाइट किया, इसको टाइट किया। ओके ठीक ठीक है। अब इसमें मीटर में दिखाओ मुझे। मैं आपको पूरा पूरा क्लियर बताता हूं, प्रोसेस पूरा दिखाओ। ये क्या होता है, ये होता है सेक्शन लाइन। ठीक है, डिस्चार्ज से मत ठोक दियो नहीं तो पता लगे दाएं तो हो जाए। अब ये देखो हमारा मीटर है जीरो पे। कितने पे? जीरो पे नहीं, 30 पे है, 35 पे। 35 पे है। तो हाई प्रेशर कर दिया था इसमें एक दिन। अच्छा, इसमें आपने टाइट कर दिया। अब ये हम इसको, अभी हमने खोला नहीं है, अब हम इसको खोल रहे हैं। गैस जीरो की जीरो, लुल मतलब हमारा 35, बिल्कुल भी नहीं 35 है, 35 से नीचे 35, हो गया 30 आ गया है, क्योंकि उसने सेक्शन खींच लिया। गैस बिल्कुल जीरो है। अच्छा, गैस जीरो है, समझ गए। ठीक, अब मैंने इसको बंद करा। ठीक, इसको बंद कर। अब मैंने इसको लगा दिया सिलेंडर में। ला भाई, अरे इसे छोड़, एक ही पाइप लाइन से ठोक देंगे गैस का। हम सिलेंडर पूरा भरवा के लाए। क्या हो रहा है, गैस का सिलेंडर पूरा भरवा के ले आए हो? आपने कहा था, हमने भरवा लिया। अरे तो इसमें कितना गैस आता है एक सिलेंडर में? 2.5 किलो गैस है एक सिलेंडर में। 2.5 किलो मतलब एक बार में भरा लूंगा तो मेरा 3 महीने काम चलेगा। जी काम बढ़िया है। ला भाई सिलाई रही, ऊपर होगी ना। अब इसको तुम खोलोगे? इसको इसको हमने खोल दिया। अब गैस उसमें जाना शुरू? नहीं, अभी नहीं जाएगी। जब खोलोगे तो वहाँ से, वहाँ खोलोगे ना? अभी खुल गया, अब उसको वहाँ खोलो। अरे इतना तो एलपीजी सिलेंडर घर पे चलाते हैं यार हम। एलपीजी अलग है। ला भाई पकड़, इसको उल्टा करके ऐसे रखा भी जाता है। अरे उल्टा सीधा रख लो, पलट के इसे मुंह से घुसा लेते हैं। खोलो उसको। अब इसको हमने खोला नहीं, अभी इधर दिखाओ ढंग से। इसका हमने अभी प्रेशर निकाला है, जो हमारा इसका प्रेशर है। ढीला करोगे, ये निकली देखो गैस, ये है गैस। वो घुस भी जाती है, बर्फ। हाँ बर्फ जमाती है, देती है, पता है मुझे। अब ये हमने दिया खोल, यहाँ पकड़ो एक हाथ से, एक हाथ से पकड़ो तो सही। इसको टाइट भी करो अच्छे से। टाइट टूट हो गया, यहाँ पकड़ के रखो, दबा गए। अब ये खोली मैंने गैस, और रुक जा अभी गैस बाद में खोलेंगे। किलोमीटर लेके आ, किलोमीटर लेके आ, लेके आ जल्दी लेके आ, जा जा जा। वो मल्टीमीटर ले आ, इनका मल्टीमीटर ही बोलते हैं। ले आ, किलोमीटर नहीं मल्टीमीटर बोल, हमारे मल्टीमीटर जानते। इसको जब खोलोगे तो इसमें क्या चिलनेस आएगी? चिलनेस आएगी। हाँ मिस्त्री बन गए, अब ध्यान रखना। इतना तो मुझे पता है, आगे बताओ। दो 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 दो। लेकिन इधर दूसरे साइड से लगा के अपना मीटर रखोगे प्रेस, ये वाला? ये देखो, ये हमने लगा दिया क्लेम मीटर। ठीक है, अच्छा ये चल रहा है हमारा 2 पॉइंट। अच्छा, चलते हुए कंप्रेसर में आप डाल सकते हो? चलते हुए कंप्रेसर में ही गैस जाएगी। अगर जो चलते हुए कंप्रेसर में नहीं जा रही तो समझ लो वो चूतिया बना रहे हैं। अच्छा ये देखो, अब आपने ये खोला, हमने यहाँ रखो, हाथ रखो, ये गई गैस। ठीक, अभी आपको पता आपने खोला गई? हाँ ठंडा होने लगा, होने लगा। हाँ और पूरा खोलो, होने लगा ना ठंडा, पूरा खोलो, अब ठंडा हो गया, मजे ले रहे हो। ठंडा अब यहाँ में देखो, अब देखो यहाँ देखो बढ़ जाएगा। अब ये कितने तक ले जाना है? 5, 6, 7 कहाँ तक ले जाना है? 6, 7 नहीं ले जाना, होल्ड मत करो इसको, होल्ड पहले से ही होल्ड कर रखा था। हाँ होल्ड मत करो, अब देखो ये देखो गैस जा रही है, अभी आपने आप खाली चल रहा है। कोई बात नहीं, चलने दो, देखता हूँ मैं कहाँ तक जाती है। हाँ मैं हूँ अभी मानेसर साइड में, बता। एक एसी में गैस डालो, वो कंपनी में जो एक वॉशिंग मशीन करी थी ना उसमें हूँ। ये देखो ये अब आपका हल्का चिल्ड्रेस आने लगा। ठीक है, बंद क्यों कर दिया आपने? अरे तो धीरे धीरे करके डालेंगे ना, एकदम डालेंगे तो ना हम मिलेंगे ना आप मिलोगे। स्लो स्लो डाला जाता है ना, नहीं कंप्रेसर फट जाएगी। इसमें कैपिलरी होती है, उस नाक कैपिलरी पाइप होती है, पता है मुझे कैपिलरी पाइप अच्छे से जानता हूँ। पास होगी गैस? हाँ पतली सी पाइप होती है, कैपिलरी पाइप पता है मुझे। ये लो फिर पकड़ो, ये गई गैस देखो, अब ये यहाँ बढ़ गया देखो। तो इतना तेज मत डालो, धीरे धीरे करके डालो 10 मिनट में। ठीक है, अब हम अपने हिसाब से डालेंगे। इनको फटने के लिए तुमने बता दिया? अरे मुझे पता है यार इसके बारे में कि यार अगर तेजी से गैस डालते हैं तो प्रॉब्लम कर सकती है, रेयर चांस कर सकती है, ऐसा नहीं करेगी करेगी। अब इसमें अगर हमारे एम्पियर बढ़ रहे हैं, 4 तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, हमारा ये मेन है सेक्शन आ जाना चाहिए, सेक्शन आ जाना चाहिए, सेक्शन चिल्ड्रेस आनी चाहिए। लेकिन ये कितना तक डालोगे मुझे लगेगा हाँ इसमें गैस पूरा हो गया? ये कम से कम 5 तक जानी चाहिए, 4-5 तक फुल में। टॉप अप में कितना होना चाहिए? टॉप अप में तो वही 2.5 टॉप अप में 2.5 3 पहुँच गया।
अरे गर्माहट नहीं, मुझे ये जानना है, मुझे यहाँ पे 5 रखना है, 6 रखना है, 7 रखना है, ये जानना है बस। इसको 5 नहीं, 5 से लेके 8 के बीच में, 5 से लेके 10 के बीच में, 5 से लेके 8 के बीच में कहीं हमारे हमारे इस पे लिखा होता है कि 6 से लेके 10 के बीच में कंप्रेसर लोड लेना चाहिए। हाँ, बीच में होना चाहिए। हाँ, वो कहीं भी सेक्शन आ जाए, जहाँ सेक्शन आ गई वहीं छोड़ दे, वहीं फुल हो जाती है गैस। और अब तो इसको बैंड सुख बर्फ आई है, कतई खत्म दी गैस, नहीं बिल्कुल खत्म। अब ये देखो इसको बर्फ आई है तो समझ लो। तो मुझे क्या पता था, मैंने चेक नहीं किया था क्या इसको, मुझे उल्लू बना रहे हो। देखो देखो, मैंने खोल के चेक कर लिया था, इसमें कुछ नहीं था। और हमें टोप बजा रहे यार, ये बढ़िया है, ये तो हमें भिखारी बना दे यार। अब ये कहाँ पहुँच गया, अभी रुक गया, अभी अभी नहीं गया, अभी जाने दो। फ्री पे चल रहा है ना अभी, जब तक इसकी बर्फ नहीं पिघलती। ये लो, ये बर्फ बर्फ पिघलेगी और ये जाएगा 6। बर्फ पिघल गई, इसमें गैस जो है कूलिंग लायक हो गई, लेकिन अभी पूरा जाना चाहिए। अभी अभी तो समझ लो टॉप अप कर दिया आपने अभी तक, अब ये टॉप अप पे गई है, इतने मतलब होता है टॉप अप। अब इसको फुल ले जाओ, फुल ले जाने का मतलब है इसको ले जाके 6:30 पे छोड़ोगे। हाँ, 6:30 पे छोड़ोगे तब समझो हमारा फुल गैस आपने डाल दिया। और अगर इसको 3:30 पे छोड़ दे रहे हो तो मतलब टॉप अप कर दिया आपने। भाई 1 साल से मैं एसी देख रहा हूँ, एसी कूलर फ्रिज, ठीक है,